हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये फ्यूचर्स और ये जो भी मैं आपको फंक्शंस बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हो तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कहीं बार बैक बटन, रिसेंट बटन या होम बटन यानी कि फ़ोन के अंदर जो नीचे नेविगेशंस बार होती है, नेविगेशंस बटन रहते हैं, वो कई बार ऑन नहीं होते यानी कि खराब हो जाते, ऑटोमेटिकली वर्क करना छोड़ देते। तो दोस्तों, इस टाइम पे अगर आपको मतलब पेमेंट का इश्यू है या तो रिपेयरिंग की शॉप बंद है, अभी लॉकडाउन है तो काफ़ी सारी शॉप्स बंद है, तो दोस्तों आपके पास टेम्पररी सॉल्यूशन है जिसका आज मैं आपको एक टिप दिखाने वाला हूं दोस्तों कि ये फंक्शंस कहां से ऑन होता है। सिंपली दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर एक सिंपली सेटिंग ऑन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मेरा एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, मैंने यहाँ पे मेरे को सिंपली क्या करना है कि मुझे सिंपली क्या करना है सेटिंग में जा, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन है यहाँ पे कन्वीनियंट टूल्स। जी दोस्तों, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन नेविगेशंस बटन का। नेविगेशंस बटन में आप जैसे मान लीजिए स्वाइप अप डाउन तो कर ही सकते हो, अभी मान लीजिए नीचे का पूरा बंद हो गया है तो आपको सिंपली असिस्टिव बॉल में जाना है, असिस्टिव बॉल को ऑन कर देना। ऑन करने से वहाँ पे आपको गेस्चर ऑप्शन और टैप मेनू, तो आपको टैप मेनू पे क्लिक करके ये ऑन कर देना है। उससे क्या होगा दोस्तों, अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों ये जो राउंड कलर का बॉल आ गया व्हाइट कलर का, वहाँ पे मैं जैसे सिंगल टैप करूँगा तो वहाँ पे मुझे बैक, स्क्रीनशॉट, रिसेंट बटन, लॉक एंड होम स्क्रीन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं इजीली स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे रिसेंट ओपन करना है मैं रिसेंट ओपन कर सकता हूँ, मुझे लॉक करना है मैं लॉक कर सकता हूँ। सो दोस्तों ये मतलब काफ़ी यूजफुल है। और ऐसा एक और ट्रिक है, अगर मान लीजिए आपके स्मार्टफोन के अंदर ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो दोस्तों डोंट वरी, आप प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों सिंपली उसके लिए क्या करना है आपको, अगेन आपको अपने दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगेन आपको है ना अपने प्ले स्टोर में जाना है। मान लीजिए प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पे आपको टाइप करना है असिस्टिव बॉल। असिस्टिव बॉल टाइप करने के बाद टच टाइप करो, बॉल करो, जो भी चलेगा। उसमें है ना सबसे पहले है ना 4.7 रिव्यू रेटिंग वाला एक एप्लीकेशन है जिसको आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद ये एज इट इज ऐसा ही सैम टू सैम वर्क करता है, कुछ सेटिंग्स वहाँ पे आपको खाली ऑन करनी रहेगी दोस्तों। सो दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर लीजिए, और अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है या आपका कोई ऐसी कमेंट्स है कि आपको कुछ ऐसा नॉलेज टेक्निकल चाहिए या मोबाइल रिगार्डिंग्स, तो आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर से मैसेज कीजिए ताकि इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। और दोस्तों तब तक के लिए आप सबको स्टे ट्यून।